होगा कहीं से, ब्रेक के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं गियर अटकने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो सर्विस के बाद ये चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए खुद से। तो अभी 2 महीने हो चुके हैं, मैं बताने वाला हूँ क्या क्या इसके अंदर दिक्कतें हैं, नहीं हैं, आपको किन किन चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए अगर आपकी कार की सर्विस हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले तो जो मैंने अपनी कार के अंदर चेंज करवाते हो ना आप चीज़ें, जो भी बदलवाते हो उनको चेक करते रहना चाहिए। जैसे हॉर्न था मेरी कार का एकदम ओके कंडीशन में। दूसरा भाई, इस कार के अंदर आपको चेक करना है कि आपकी कार के अंदर देखो यहाँ पे वार्निंग लाइट्स होती हैं आपकी कार के अंदर, उनको आपको चेक करना चाहिए कि भाई कहीं कोई एक्स्ट्रा वार्निंग लाइट तो नहीं आ रही कार के अंदर। मैं तो थोड़ा आपको अंदर आके देखना है कि क्या कार के अंदर भाई आपके कोई वार्निंग लाइट्स तो नहीं शो कर रही। यहाँ पे होती है ना जैसे वार्निंग लाइट्स बहुत सारी शो करती हैं, तो आपको देखना है भाई आपकी कार के अंदर कहीं वार्निंग लाइट्स तो शो नहीं कर रही। होता है ना कई बार कि वार्निंग लाइट्स है भाई बहुत सारी है जो आपकी कार के अंदर, और सर्विस करवाने के बाद आने लगती है, ब्लिंक करने लगती है, ओवर हीटिंग की साइन आने लगती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी कार के अंदर ये लाइट्स कहीं ब्लिंक ब्लिंक तो नहीं कर रही, क्योंकि होता है अक्सर लोगों की कार के अंदर जैसे ही सर्विस करवा लेते हैं उसके बाद ये दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। तो मैंने अपनी कार के अंदर जो जो चेंज कराया था पहले तो वो आपको बताता हूँ। अगर आपको वो पूरी वीडियो देखनी है मेरी कार की सर्विस की तो भाई आई बटन पे जाके देख लेना या डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि मैंने इस कार की सबसे बड़ी मेजर सर्विस करवाई थी, मैंने टायर से लेके हर एक चीज़ भाई इस कार के अंदर चेंज करवाया था सर्विस में। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर खर्चा किया था सर्विस के अंदर। तो आपको मैं बता दूं क्या क्या चेंज कराया था। देखो, ब्रेक पाइप है वो चेंज कराया था, ब्रेक एकदम मेरी अच्छी लगती है कार के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। गियर ऑयल वगैरह चेंज करवाया था। गियर ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह अगर आपकी कार के अंदर गियर अटकते हैं तो आप गियर पे भाई हाथ वगैरह मत रखा करो ज़्यादा, तो गियर भी स्मूथ चलते हैं। सर्दी के अंदर भाई ये सुबह सुबह ये होता है एक दो मतलब 5 या 10 मिनट के लिए ऐसा होता है कि गियर थोड़ा सा फर्स्ट वाला मेरी कार का अटकता है। गियर ऑयल जब मैंने चेंज करवाया तो अब ये दिक्कत उतनी नहीं रही, ठीक हो गया कई हद तक। दूसरा ये सर्विस का जब टाइम आता है ना, तो जैसे 1 साल हो गया या होने वाला है तो सर्विस भाई कार थोड़ी मतलब जैम जैम सी चलने लगती है। तो आपको देखना है सर्विस के बाद खुल के एकदम मक्खन की तरह वो चल रही है या नहीं चल रही है। एक और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो इस कार की ये देखनी चाहिए आपको कि इस कार की भाई जब मैंने सर्विस करवाई एकदम मक्खन चल रही है मेरी कार की। दूसरी आपको एक यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि जब आप कार की सर्विस करवा लेते हो उसके बाद भाई लोग ये ध्यान नहीं देते कि कार की जो एवरेज है वो अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। मेरे को कभी कभी ऐसा थोड़ा डाउट सा लगता है क्योंकि मैं इसको अच्छे तरीके से उतनी नहीं चला पा रहा अभी, तो मेरे को कभी कभी डाउट सा रहता है कि इसकी जो एवरेज है वो थोड़ी कम आ रही है जो पहले आती थी। तो ये आपको ध्यान में रखनी है भाई ये वाली चीज़ें कि अगर आपको लगता है कि आपकी कार की जो एवरेज है वो थोड़ी डाउन जा रही है तो आपको भाई इसको चेक करवाना है मैकेनिक से, भाई इसकी एवरेज थोड़ी कम क्यों आ रही है। हो सकता है आपने ऑयल वो दूसरा डलवा दिया हो, चेंज करवा दिया, जिसकी वजह से आपकी एवरेज के अंदर थोड़ी दिक्कतें हो रही हो। तो ये चीज़ मेक श्योर आप चेक करें जब भी आप कार की सर्विस करवा लेते हो उसके बाद में कि इस कार की जो कंडीशन थी पहले और बाद वाली जो आपने चेंज करवाई उसके बाद वाली कि इसके अंदर कहीं वो वाली दिक्कतें तो नहीं आ रही, कहीं दिक्कत ये जो पहले थी उनके अलावा कहीं और तो नहीं बढ़ गई हैं। ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए। एक भाई मैंने हाल ही में इसके टायर जो चेंज करवाए थे, मैं अभी ये देख रहा हूँ भाई जब मैंने चेंज करवा लिए इसके टायर, आपको चेक करना है कि मैंने जैसे टायर इसके चेंज करवाए कि भाई टायर के अंदर ऐसा तो नहीं कहीं ज़्यादा टायर घिस रहे हो या टायर खा रही हो गाड़ी। तो मैंने वो चेक करी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है टायर के अंदर, अच्छी कंडीशन में है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको आफ्टर सर्विस यानी सर्विस के बाद ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। बाकी बहुत से लोगों की भाई क्वेरी रहती है मेरे को, भाई मेरे को एयर फिल्टर नहीं मिल रहा, मेरे को ऑयल फिल्टर नहीं मिल रहा, मेरे को टाटा नैनो का ये पार्ट्स नहीं मिल रहे, वो पार्ट्स नहीं मिल रहे। भाई आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, कुछ कुछ चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, बाकी आप ऑनलाइन जाके भी सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको बाय करने जैसे टाटा नैनो का ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, टाटा नैनो के टायर का साइज़ क्या है, टायर नैनो के पिछले टायर कितने के आते हैं, अगले टायर कितने के हैं, वो सारे मैंने भाई लिंक दे रखे हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो इस तरह की भाई बहुत सारी वीडियोज़ आपने बना रखी है, जैसे टायर नैनो के मिरर है, साइड मिरर है, वो ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, इस तरह की बहुत सारी हैं तो वो आप जाके बाय कर सकते हो। क्योंकि लोगों को होता है ना आसपास में शॉप नहीं होती या कार बनाने वाली जगह नहीं होती, तो आप ऑनलाइन भी वो चीज़ें मंगा सकते हो।
बाकी गाइज यही था आज की कुछ वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोज़ है इस तरह की अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, पर नहीं व्लॉग्स है जिसका नाम डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप मेरे से इंस्टा पे और कनेक्ट हो जाना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मैं चीज़ें अपडेट तुरंत की तुरंत मैं करता रहता हूँ। अगर आपको मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाता तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर देना, मैं वहाँ पे आपको पक्का रिप्लाई करने वाला हूँ। vinanch_1 हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय।